नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो मात्र 28 रुपये का शेयर है और 20% के अपर सर्किट के साथ ये स्टॉक धमाल मचाए हुए है स्टॉक मार्केट में। इसमें जो है राकेश झुनझुनवाला जी और राधाकृष्ण दमानी जी दोनों का स्टेक है, तो दो बड़े जो हमारे लेजेंड इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के, दोनों का स्टेक इस स्टॉक में है। तो चलिए इस स्टॉक के बारे में जानेंगे कि हमारे जो लेजेंड इन्वेस्टर है राकेश झुनझुनवाला और राधाकृष्ण दमानी जी इसमें क्यों इन्वेस्ट किए हैं, क्या इस लॉजिक है। साथ ही साथ हम ये भी बात करें क्या आप इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आपको यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो इस वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो पहले मैं अपना रीजन दूंगा यहां पर कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस प्राइस पर करना चाहिए, किस प्राइस के टारगेट के लिए करना चाहिए। देखिए ये चार्ट है इस स्टॉक का और यहां पर चार्ट पर देखिए तो ये स्टॉक यहां पर लो बनाया था अप्रैल मार्च में जो गिरावट हुआ था। तो यहां पर देख लीजिए मार्च 23 को जो गिरावट इसमें हुआ था तो 7.50 रुपये का ये लो बनाया था और वहाँ से 1 वे इसमें मोमेंटम देखने मिला 28 रुपये तक। फिर से यहाँ से गिरावट होती है और ये स्टॉक देखिए यहाँ लो बनाता है 13.80 रुपये का, फिर से इसमें मोमेंटम आता है 21.50 रुपये तक, फिर से गिरावट 15.25 रुपये और फिर से तेजी 24.65 रुपये और फिर से इसमें गिरावट 15.60 रुपये। और इस बार जो तेजी मिला है ये तो देख सकते हैं 2 ही दिन में ये 20.60 रुपये से 28.90 रुपये पे जा चुका है। मतलब किसी ने भी यहाँ पर सपोर्ट पे खरीदा रहा था 16 रुपये के प्राइस पर, तभी उसे 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट मिलता मात्र कुछ ही दिनों में, मतलब 1 मंथ में उसे 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पर हम आपको ये भी दिखा दें कि इसमें राकेश झुनझुनवाला जी और जो हमारे दमानी जी है दोनों का स्टेक है। तो यहाँ पर देखिए आइएगा यहाँ पर इन्वेस्टर सेक्शन में, यहाँ पब्लिक में जाइएगा तो यहाँ देखिए राकेश झुनझुनवाला जी का स्टेक है 2.06% का। यहाँ पर सबसे नीचे राधाकृष्ण दमानी जी इनका भी स्टेक है 1.26% का। तो देख सकते हैं दोनों का स्टेक है, दोनों हमारे लेजेंड इन्वेस्टर हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं हमारे स्टॉक मार्केट के। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के, पहले टेक्निकल चार्ट पर। तो यहाँ पर देखिएगा टेक्निकल चार्ट पर तो चार्ट जो है काफ़ी सॉलिड दिख रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर सपोर्ट में इन्वेस्ट करता है उसे अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके वीकली चार्ट पर चलते हैं, तो देखिए हम वीकली या मंथली जो भी कहें तो ये स्टॉक जो है अपना ऑल टाइम हाई जो बनाया है वो लगभग 80 रुपीज़ का बनाया है और ये स्टॉक मेल कितना पे रहा था मात्र 7 रुपीज़ पे। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये 10 टाइम्स होने का यहाँ पर, मतलब 10 टाइम्स तक का रिटर्न यहाँ से आपको दे सकता है, इतना पोटेंशियल है इस स्टॉक में। अगर किसी ने यहाँ पर नीचे अगर इन्वेस्ट किया है तो काफ़ी सॉलिड है, उन्हें काफ़ी सॉलिड रिटर्न यहाँ से मिल सकता है और काफ़ी अच्छा रिटर्न उनको मिल भी रहा है मात्र 8 रुपीज़ यहाँ पर, लगभग 350% तक का रिटर्न उसे मिल चुका है अगर कोई यहाँ पर लो पर इन्वेस्ट किया रहा था तो। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और यहाँ पर जो ये अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो दिसंबर 17 से इसमें लगातार गिरावट देखने मिला है, लगातार गिरावट देख सकते हैं और ये जो मार्च पैंडमिक में था वहां पर अपना लो बनाता है मात्र 8 रुपीज़, मतलब 7.50 रुपीज़ का और यही ये स्टॉक है 28.80 रुपीज़ का। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स का। देखिए स्टॉक का जो फंडामेंटल्स है, सबसे पहले प्रमोटर्स होल्डिंग मात्र 29.87% है और इसमें हमारे दो लीजेंड इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में यह स्टॉक है। और प्रॉफिट लॉस की बात करें तो देखिए सेल्स काफ़ी डिक्रीज हुआ है, तो ऐसे भी जो इस सेक्टर के कंस्ट्रक्शन सेक्टर के स्टॉक है उसमें ऐसे भी सेल्स अभी बिल्कुल नहीं है, तो वो यहाँ चार्ट पे भी देखने मिला लगातार 2 साल से कंपनी का सेल्स लगातार डिक्रीज हुआ है। देख सकते हैं अगर यहाँ पर कंपनी सिचुएशन नॉर्मल होता है, अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो निश्चित है कि स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम बना रह सकता है। अब बात करें यहाँ पर तो आपने देख लिया कंपनी बिल्कुल अभी सेल्स डिक्रीज हुआ है, कंपनी बिल्कुल लॉस में है और यहाँ पर लॉस देख सकते हैं कि 6000% का मतलब प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, मतलब प्रॉफिट में जो डिक्रीज हुआ है 6000% का। कंपनी लगभग प्रॉफिट में आ चुकी थी लेकिन पिछले साल से ही कंपनी को लॉस देखने मिल रहा है जब से हमारा लॉकडाउन लगा है, नहीं देख सकते हैं 2019 के फाइनेंशियल में कंपनी प्रॉफिट में आ चुका था। अगर ये प्रॉफिट में आता तब तो हमें इसमें ज़बरदस्त रिटर्न देखने मिलता। और यहाँ पर बात करें मार्केट कैप का, मात्र 438 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। रिजर्व की बात करें 446 करोड़ का रिजर्व है इस कंपनी के पास। डेट की बात करें 439 करोड़ का डेट है कंपनी के पास और इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनी 46.6 करोड़ का, तो इतना का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का और प्रॉफिट तो -26 करोड़ में है ही और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव में है, माइनस
0.44%, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 3.979%, तो रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव है। बुक वैल्यू कंपनी का 31 है और बुक वैल्यू से भी हमें जो स्टॉक मिल रहा है वो नीचे मिल रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन बात है क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व अच्छा खासा है कंपनी के पास, देखते हैं 446 करोड़ का। ये जितना कंपनी के पास रिजर्व है 446 करोड़ का, कंपनी का मार्केट कैप उससे भी कम है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट भी, ये भी आपको ध्यान रखना है कंपनी के ऊपर डेट है। अगर कंपनी के ऊपर डेट नहीं रहता तो ये स्टॉक का प्राइस जो है अभी आपको काफ़ी ऊपर देखने मिलता, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट है इसलिए आपको डेट होने के कारण कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी नीचे दिख रहा है। अगर हम बात करें अपने व्यू का तो मैं अभी इस प्राइस पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने का सलाह नहीं दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल सलाह, क्योंकि अभी तेजी है तो हो सकता है ये तेजी बना रहे, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग ये रेसिस्टेंस था पहले, इस रेसिस्टेंस को ये ब्रेक कर चुका है, जो 24 रुपीज़ का रेसिस्टेंस था 24 रुपीज़ को ये क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पर जो रेसिस्टेंस बनता है वो 36 रुपीज़, तो यहाँ से 28 रुपीज़ 80 पैसा यहाँ से 36 रुपीज़ तक ये जा सकता है, फिर ये स्टॉक में हो सकता है गिरावट हो, लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये स्टॉक आपको काफ़ी नीचे भी देखने मिले, तो आप नीचे के प्राइस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए चाहें तो 36 रुपीज़ के प्राइस के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा, तो स्टॉप लॉस होगा आपका 24 रुपीज़ और 36 रुपीज़ आपका टारगेट होगा। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड जो है आपका 1:2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी बिल्कुल भी सही प्राइस नहीं है। अगर प्राइस में करेक्शन आता है फिर से कभी तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के बिजनेस को देखना पड़ेगा। अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो कंपनी के बिजनेस है वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ, इसलिए आपको जो शेयर प्राइस है उसमें मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी नहीं दिख रहा है, सेल्स भी नहीं दिख रहा है, तो सारा प्रॉब्लम है पैंडमिक ख़त्म होता है जैसे हमें इस शेयर में एक बेहतरीन मूवमेंट आने वाले समय में देखने मिल सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।